हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल जॉब पोर्टल। फ्रेंड, IBPS बैंक की तरफ से क्लर्क और काफ़ी सारे पदों के लिए वैकेंसी आ चुकी है। जैसे कि आप जानते हैं कि पहले भी इसकी वैकेंसी आई थी, लेकिन अब दोबारा से रीओपन वैकेंसी हो गई है। चलिए फ्रेंड्स, इस नोटिफिकेशन के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन लेते हैं। पूरी इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन से रिलेटेड पूरी इन्फॉर्मेशन मिल सके। शो करते हैं फ्रेंड्स, ये देखिए फ्रेंड, IBPS क्लर्क्स 11th शो डिटेल ऑफ नोटिफिकेशन। इंपॉर्टेंट डेट की बात करें तो आपकी एप्लीकेशन 7/10/2021 से स्टार्ट होने वाली है। लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन आपकी 27/10/2021 रखी गई है। पेमेंट एग्जामिनेशन फीस पे करने की लास्ट डेट पे आपकी 27/10/2021 है। ऑनलाइन आपका प्री एग्ज़ाम इसका दिसंबर में होने वाला है, और एडमिट कार्ड भी आपका इससे पहले आने वाला है। मेन की बात करें तो जनवरी या फरवरी में इसका आपका मेन एग्ज़ाम हो जाएगा। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करते हैं, जनरल OBC EWS के 850 रुपये लग रहे हैं, SC ST PH के यहाँ पे 175 रुपये लग रहे हैं फ्रेंड्स। एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम एज 20 ईयर रखी गई और मैक्सिमम एज 28। कुछ आपको रूल्स के अकॉर्डिंग आपको एज में रिलैक्सेशन भी दिया हुआ है। नंबर ऑफ पोस्टिस की बात करें तो 7855 वैकेंसीज पोस्टिस इसमें आई हुई हैं। क्लर्क की इसमें 7855 पोस्टिस में आई हुई हैं। इसमें आपकी बैचलर डिग्री मांगा है। क्वालिफिकेशन स्टेट वाइज हम देख लेते हैं किस किस स्टेट में कितनी कितनी पोस्ट इसमें आई हुई हैं। अंडमान एंड निकोबार के लिए 5 पोस्ट हैं, आंध्र प्रदेश के लिए 387 है, अरुणाचल प्रदेश के लिए 13 है, असम के लिए 191 है, बिहार के लिए 300 है, चंडीगढ़ के लिए 33 है, छत्तीसगढ़ के लिए 111 है, दादर नागर के लिए 3 है, दिल्ली NCT के लिए 318 है, गोवा के लिए 59 है, गुजरात के लिए 395 है, हरियाणा के 113 है, हिमाचल प्रदेश के 113 है। जैसे कि फ्रेंड्स आप देख रहे हैं नोटिफिकेशन में, जम्मू एंड कश्मीर के 26 हैं, झारखंड के 111 हैं, कर्नाटका के 454 हैं, केरला के 9 हैं, लक्षद्वीप की 5 हैं फ्रेंड। जैसे कि आप देख रहे हैं मणिपुर की 6 हैं, मेघालय की 9 हैं, मिजोरम की 4 हैं, नागालैंड की 13 हैं, उड़ीसा की 302 हैं, पांडिचेरी की 30 हैं, पंजाब की 402 हैं, राजस्थान की 142 हैं, सिक्किम की 28 हैं, तमिलनाडु की 843 हैं, तेलंगाना की 333 हैं, त्रिपुरा की 8 हैं, उत्तर प्रदेश की खंड की 58 है, वेस्ट बंगाल की 519 है। टोटल आपकी 7855 पोस्ट इसमें आई हुई है फ्रेंड्स। ये फ्रेंड्स देख लेते हैं आपका इसमें एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहने वाला है। आपका इसमें ऑनलाइन एग्ज़ाम होने वाला है। प्री में आपका इंग्लिश लैंग्वेज, न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग एबिलिटी इसमें आपके आने वाले हैं। इंग्लिश लैंग्वेज के 30 क्वेश्चन, न्यूमेरिकल एबिलिटी के 35 क्वेश्चन, रीजनिंग एबिलिटी के 35 क्वेश्चन। मिनिमम मार्क्स आपके 30 रहने वाले हैं, इसमें 35 आने वाले हैं, रीजनिंग एबिलिटी में 35 रहने वाले हैं। टोटल आपके 100 क्वेश्चन आने वाले हैं। इन सब में आपको 20-20 मिनट का टाइम मिलेगा पूरा। मतलब प्री क्लियर होता है, कट ऑफ के अकॉर्डिंग जितने मार्क्स आते हैं आपकी फिर कट ऑफ लगेगी, उसके अकॉर्डिंग आपका प्री क्लियर होता है, तभी आप मेन एग्ज़ाम दे सकेंगे। अब मेन की बात करते हैं, मेन में आपका कैसे कैसे क्या क्या आने वाला है। जनरल फाइनेंशियल अवेयरनेस, जनरल इंग्लिश, रीजनिंग एबिलिटी एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। जनरल अवेयरनेस के आपके 50 क्वेश्चन आने वाले हैं, जनरल इंग्लिश के 40 क्वेश्चन आने वाले हैं, रीजनिंग एबिलिटी एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड के 50 क्वेश्चन आने वाले हैं, क्वांटिटी एप्टीट्यूड के 50 क्वेश्चन आने वाले हैं। पूरे आपके 190 क्वेश्चन इसमें आने वाले हैं। ये था फ्रेंड्स आपका एग्ज़ाम। ये फ्रेंड्स एक बार इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन देख लेते हैं। ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर हम आ गए हैं, यहाँ से हम इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लेते हैं। ये देखिए आपका इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, जैसे कि आप देख रहे हैं। मैं आपको सारे डिटेल पहले बता चुकी हूँ। लेकिन अप्लाई करने से पहले आप सारा डिटेल नोटिफिकेशन में ध्यान से पढ़ लीजिएगा, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो अप्लाई करने में। प्री एग्ज़ाम पैटर्न मेन का क्या रहने वाला है, प्री का क्या रहने वाला है, स्टेट में आपको बता चुकी हूँ कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी वैकेंसी निकली हुई है, कितनी किस में कितनी पोस्ट है किस स्टेट में।
फ्रेंड्स, अगर जो आपको ये वीडियो, ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है हमारी, तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करिएगा ताकि आपके फ्रेंड्स को भी इस नोटिफिकेशन से रिलेटेड पूरी इन्फॉर्मेशन मिल पाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।